हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ की, जो कि टोटल 180 क्लासेस यहां पे होने वाली है। तो चलिए, आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन विच स्टेट पीएम मोदी टू इनोग्रेट हॉस्टल एंड एजुकेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट। अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के द्वारा जो है हॉस्टल और एजुकेशन कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की जाएगी। उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। ये किस स्टेट में बिल्ड होगा आपको बस ये बताना है, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा या राजस्थान। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात, यहाँ से आप देख सकते हो। और पीएम मोदी यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे उद्घाटन करेंगे। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी, ब्लड बैंक होगा आपको देखने को मिलेगा इसमें, मेडिकल स्टोर, मॉडर्न पैथोलॉजी लेबोरेटरी के अलावा टॉप क्लास इक्विपमेंट फॉर हेल्थ चेकअप्स, ये बड़ी बात है। 150 कमरे का ये रूम होगा जिसमें 600 स्टूडेंट यहाँ पे काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ई लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस रूम, देयर आर मेनी मोर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हियर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको बस ये बताना है किस स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में 2 दिनों का नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला है, कॉपरेशन पॉलिसी टू बिगेन। आपको बस ये बताना है कि किस राज्य में ये होने वाला है, हरियाणा, सिक्किम, गोवा या दिल्ली। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली में ये होने वाला है। और पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह और भी बहुत सारे लोग जो है इसमें शामिल होंगे। और ये कब होगा, ये 6 जुलाई को होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, आपको बस ये बताना है अलायंस एयर जो एक, देखिए ये जो है ना, ये HIL ने बनाया है। मैं आपको पहले बता दूं, HIL जो है ये इंडिया के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट तैयार करती है, डिफेंस इक्विपमेंट। HIL का पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनेट लिमिटेड, इस बात को खास ख्याल रखिएगा आप। इस एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो ये एयरलाइन है, जो हेलीकॉप्टर है, ये डिब्रूगढ़ जो आसाम से कहाँ के 5 लोकेशन पे ये जाने वाली है, अरुणाचल प्रदेश के 5 लोकेशन पे जाएगी, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश के। देखिए, इन आप अगर नॉर्थ ईस्ट के जगहों पे जाओगे ना, वहाँ पे फ्लाइट उड़ाना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं और बहुत सारी जो है डिफ़िकल्टीज आती है। तो इसलिए इस खास जो है HAL के द्वारा इसे बनाया गया है। और ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश के ना अलग अलग 5 जगहों को ये आसाम से कनेक्ट करेगा, जिसके नाम देखो तेजू, जीरो, ये जगहों के नाम आप यहाँ से देख सकते हो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है कितने रुपये कि खेलो इंडिया वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट हो सके, 55 लाख, 80 लाख, 75 लाख या 70 लाख। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है 75 लाख। और 75 लाख तो अप्रूव कर दिए, बट ये बहुत कम है, दिस इज़ वेरी लेस। जी हाँ, फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल हॉकी जो है रैंकिंग ये होने वाली है, और इसमें जो है 75 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले बता दूँ, अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हो, 499 में आपके लिए नोट्स बनाया गया है, बहुत ही ध्यान रखकर चीज़ों को। पहले इसकी प्राइस 699 थी, जिसे डाउन करके 499 कर दिया गया है, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाओ। आपको मैं बता दूं, पिछले साल बहुत सारे लोग कैंडिडेट जो है सिलेक्ट हो चुके हैं, आर्मी स्कूल में जॉब भी कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने इंटरव्यू में भी रोल किया था, इंटरव्यू के कोर्स में भी इनरोल किया था। उन बहुत सारे लड़कियों के जो है जॉब हुए हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो आप भी अपना नंबर लगा सकते हो, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh। एक और बात मैं आपको बता दूँ, 100 रुपीज़ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी परचेस कर सकते हो। तो चलिए, फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, सबसे फर्स्ट टाइम ना, फर्स्ट एवर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया है, किसे देने वाले हैं ये, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, प्रणब मुखर्जी या नरेंद्र मोदी। तो देखिए, ये लता मंगेशकर के पिताजी का नाम था, और ये अवार्ड वेरी फर्स्ट टाइम जो है मोदी जी को दिया जाने वाला है। याद रखिएगा, मोदी जी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बस ये बताना है विच कंट्री, यानी कि किस कंट्री ने हाल में ही हेना का जो है हेलिना का जो है हाल में ही प्रशिक्षण किया है, यानी कि इसे जो है टेस्ट किया है, फ्लाइट टेस्ट इसकी की गई है, पाकिस्तान के द्वारा, भारत के द्वारा, बांग्लादेश या इंडोनेशिया के द्वारा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडिया। यहाँ से आप इसकी इमेज भी देख पाओगे, ये इमेज है, और इसने जो है ये फर्स्ट चॉपर है जो कि मिसाइल एंटी टैंक जो है इसमें मिसाइल आपको देखने को मिलेगा। बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए, कॉल मिनिस्टर, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको देखिए मिल जाएगा, प्रहलाद जोशी हैं,
जो कि फोर्थ गवर्नर बॉडी मीटिंग करेंगे NMET का, दिल्ली में ये होगा। कब होगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ से आप देख पाओगे, वेट अ मिनट मैं आपको दिखा दूँ, ये वेंसडे को ये करने वाले हैं, यहाँ से आप देख पाओगे। इसमें जो है ना, देखिए मैं कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इस गवर्नमेंट बॉडी में मिनिस्टर जो आएंगे आसाम, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये राजस्थान, तमिलनाडु, ये सब सारे लोग यहाँ पे आएंगे। जहाँ पे देखिए जो माइनिंग वगैरह जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ से, आई डोंट नो यहाँ पे झारखंड का नाम क्यों नहीं है, मुझे नहीं पता, बट ये झारखंड का भी नाम यहाँ पे होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इंडिया एंड विच कंट्री। देखिए आपको बस ये बताना है, 2+2, याद रखिए ये 2+2 का क्या मतलब है। देखिए 2+2 का मतलब होता है ना, जब फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दो कंट्री के एक साथ, यानी टोटल चार लोग एक दूसरे के साथ जो भी वहाँ पे बातें हैं, जो भी डिफेंस को लेकर हो या फिर फॉरेन लेवल पे हो, ठीक है ना, जियोपॉलिटिक्स को लेकर हो बातें होती है, तो बताना है कि इंडिया के साथ किस कंट्री ने ये जो है, ये जो डायलॉग है ये स्टार्ट करने की बात करी है। चाइना ऑब्वियसली नहीं, चाइना तो हो ही नहीं सकता, रसिया हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, यूके भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है अभी यूएसए के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, यूएसए को हम लोग जो है नंबर वन पार्टनर बना रहे हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंडिया एंड यूएस इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, शहबाज शरीफ जो कि 23rd प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं पाकिस्तान के। आपको मैं बताऊँ एक फन फैक्ट, पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल तक काम नहीं कर पाया है। इमरान खान करने वाले थे, 4.5 साल में हटा दिए गए हैं। शहबाज शरीफ वहाँ के जो 23rd प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए ये जो कंट्री है ना, यहाँ पे करंट अफेयर्स भी हिस्ट्री बनने में यहाँ पे देर नहीं लग रही है। इसका नाम है श्रीलंका। यहाँ से आप देख पाओगे महिंद्रा राजापक्षे को हटाने की मांग की जा रही थी, किससे, यहाँ से देख लीजिए, गोटाबाय राजपक्षे से, दोनों भाई ही हैं। और देखिए कमाल, दोनों को जो है जनता के द्वारा भगा दिया गया है, ये दोनों देश से भाग चुके हैं, ये होती है पावर। तो खैर ये करंट अफेयर्स हिस्ट्री बन चुका है, इसे रहने देते हैं, आगे बढ़ेंगे। और द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी है, प्लीज़ पेन पेपर पे इसे नोट डाउन कर लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ डिफेंस पैक्ट ऑन शेयरिंग सैटेलाइट डेटा। तो देखिए इंडिया को जो है यूएसए बहुत प्रेफर कर रहा है और बहुत सारी सुविधाएं भी दे रहा है, तो यूएसए ये काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इनिशिएटिव एफर्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो देखिए प्रकृति इज द राइट आंसर, प्रकृति के द्वारा जो है हम लोग इनिशिएट लिए चुके हैं कि प्लास्टिक और जो भी वेस्ट मैनेजमेंट है उसे ठीक करेंगे हम लोग। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बैन्स द इम्पोर्ट ऑफ एक्सपेंसिव थिंग्स। नेपाल ने कह दिया कि भैया बाहर से ज़्यादा महंगी चीज़ें मत मंगाओ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। थैंक यू सो मच।